एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ सड़कों पर रोजाना बेतहाशा जाम देखने को मिल रहा है। मंगलवार को शहर ही नहीं, शहर के अंदर प्रवेश करने वाले मुख्य चौराहों पर भी भीषण जाम देखने को मिला। महानगर के नौसर चौराहे पर सबसे ज्यादा जाम देखने को मिला। यहाँ घंटों लोग जाम से जूझते नजर आए, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। पुलिस मौके पर है लेकिन जाम को छुड़ाने में पसीना छूट रहा है। कोरोना को लेकर अब सरकार भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और भीड़ पर रोक लगा रही है। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है, लिहाजा अगर जरूरी ना हो तो सड़क पर ना निकले। लेकिन दिवाली से ही सड़कों पर काफी भीड़ उमड़ने लगी है, लोगों के मन में इसका दहशत खत्म हो गया है। इसका सही अंदाजा सड़कों पर लगी भीड़ और जाम से लगाया जा सकता है। शहर के अंदर जाम का एक और कारण चार पहिया वाहन चालकों द्वारा अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देना भी है, जबकि शहर के अंदर जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यातायात पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों को अपने वाहन को पार्किंग में खड़ा करने की अपील की जा रही है। लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे दिन राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं मरीज लिए एम्बुलेंस चालक भी जाम में फंसे रहते हैं। आखिर कब सुधरेंगे लोग और कब समाप्त होगी जाम की समस्या?